दोस्तों, गूगल के बारे में आप सभी जानते हैं और गूगल के बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता भी होगा और शायद ऐसे भी टूल्स होंगे जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट नेट इंस्टीट्यूट्स में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए गूगल के एक बेहतरीन टूल्स के बारे में लेके आया हूँ। खासतौर से अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं या आपका कोई भी बिजनेस है, छोटा मोटा आपका कोई भी काम है और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर वर्क को आप गूगल के जरिए प्रमोट करें, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जानिए कि गूगल का ये टूल आपके बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकता है कंप्लीटली ऑर्गेनिक, जो कि फ्री में आप इस टूल की मदद से अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड पहुंचा सकते हो। तो वीडियो में पूरा बने रहिए फ्रेंड्स और जानिए आखिर तक कि कौन सा ये गूगल का टूल है जो आपके बिजनेस को बहुत प्रमोट करने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकॉन पर भी हिट कीजिएगा जिसके जरिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डायरेक्टली लाइव मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे डायरेक्टली आपको इस गूगल के टूल्स के बारे में बताता हूं कि ये कौन सा टूल है जो आपके बिजनेस को काफी प्रमोट करने वाला है, वो भी फ्री में। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल का एक टूल जो कि आपके बिजनेस को फ्री में प्रमोट करेगा, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि अगर अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि गूगल का वो कौन सा ऐसा टूल्स है जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकते हैं और वो भी फ्री में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे सीधा चलते हैं और ये गूगल हमने स्क्रीन में खोला हुआ है। तो फ्रेंड्स, गूगल का जो टूल्स मैं आपकी जिसकी बताने जा रहा हूँ उस टूल्स के बारे में, वो आपने गूगल में सर्च करना है, जो है गूगल माई बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, गूगल माई बिजनेस आपको यहाँ पे सर्च करना है और जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा गूगल माई बिजनेस गेट योर फ्री बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल। आपको यहाँ पे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल माई बिजनेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए, ये आपका आता है गूगल माई बिजनेस। फ्रेंड्स, गूगल का ये गूगल माई बिजनेस एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल को बना के आप अपने बिजनेस के से रिलीवेंट इन्फॉर्मेशंस को आप यहाँ पे अपडेट करते रहिए, अपलोड करते रहिए और गूगल आपकी उस इन्फॉर्मेशंस को वर्ल्ड वाइड पहुँचाता रहेगा। साथ साथ में गूगल के इस गूगल माय बिजनेस के ज़रिए आप गूगल मैप्स पे भी आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल मैप्स के गूगल माय बिजनेस के यूजेस के बारे में बताऊँगा। गूगल मैप्स के बारे में अगर आपको आइडियाज़ नहीं है और आप चाहते हैं कि गूगल मैप्स के बारे में भी हम आपको बताएं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको गूगल मैप्स के बारे में भी एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे अगर आप चाहेंगे गूगल मैप्स के बारे में जानना। तो फ्रेंड्स, आप गूगल माई बिजनेस के स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और अगर हम थोड़ा जान लें इसके बारे में और अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स विद योर फ्री बिजनेस प्रोफाइल के साथ में आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप देखिए आप इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को बना सकते हैं। ब्रिंग इन कस्टमर्स बाय शेयरिंग हेल्पफुल इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। कीप देम कमिंग बैक विद रेगुलर अपडेट के साथ आप आ सकते हैं। क्रिएट ए फ्री वेबसाइट इन ए मिनट आप यहाँ पे गूगल माई बिजनेस आपको एक फ्री वेबसाइट्स भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि आप अपने बिजनेस की एक सिंपल सी वेबसाइट आप बना सकते हैं और उसके ज़रिए आप लोगों तक अपने आप को पहुँचा सकते हैं। एंगेज ऑनलाइन एंड बिल्ड कस्टमर्स लॉयल्टी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गूगल आपको ये सब प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री में। तो फ्रेंड्स, कैसे करना है इसको, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। आपको इसके लिए जाना होगा स्टार्ट नाउ पे। अगर आप स्टार्ट क्लिक करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा और साइन इन करने के बाद आपको जो है अपनी किसी भी जीमेल आईडी से, पहले आपके पास में जीमेल अकाउंट आपका होना चाहिए। तो डायरेक्टली जैसे कि मैं डॉट नेट इंस्टीट्यूट से मैं डायरेक्टली से लॉग इन करता हूँ, वैसे मेरा इसमें ऑलरेडी प्रोफाइल पूरी बनी हुई है। तो डायरेक्टली अगर आप इसमें प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो ये देखिए मेरा पूरा डैशबोर्ड आपका डायरेक्टली मुझे डैशबोर्ड में ये लेके आ गया है। आप उसी तरीके से करेंगे तो आपको ये आगे के ऑप्शंस को देगा और आप उन सभी ऑप्शंस को क्लियर करते हुए आप इस डैशबोर्ड तक आपको पहुंचना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी लोकेशंस को जो है फिक्स करना होगा कि आपकी कौन सी लोकेशंस है। जैसे कि मैंने अपनी दो लोकेशन अपने डॉट नेट इंस्टीट्यूट की जो है गूगल मैप्स के ऊपर या गूगल माई बिजनेस के ऊपर सेटअप कर रखी है,
और इन्हीं दोनों लोकेशंस में आप हमें गूगल मैप्स पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इन लोकेशंस को सेट करने के बाद गूगल आपको आपको आपके आधार कार्ड्स के ज़रिए अपने आप वेरीफाई कर लेगा, चेक कर लेगा। और अगर आप आधार कार्ड्स नहीं देते हैं तो गूगल आपके इस पोस्टल एड्रेस पे एक स्पीच पोस्ट के ज़रिए आपके लिए कोड भेजता है। उस कोड को जब वो कोड आपको मिलेगा, आप उस कोड को अपनी इस प्रोफाइल में इंटर करेंगे, उसके बाद गूगल आपकी उस लोकेशन को अप्रूव करेगा। लेकिन ये सब पहले होता था, अब गूगल डायरेक्टली बाय आधार कार्ड के ज़रिए आपकी लोकेशन को सर्च कर लेता है और आपको वेरीफाई कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए आपकी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल माय बिजनेस की, यहाँ पे डायरेक्टली लोकेशंस आपको दिख रही हैं, मेरी दो लोकेशंस हैं। अब आपको किस तरह से अपने कंटेंट को यहाँ पर डालना है, तो जैसे मेरा आप फर्स्ट लोकेशन पर मैं .NET इंस्टीट्यूट्स पर जैसे क्लिक करूँ तो ये मेरा पहला लोकेशन को ओपन करता है। और यहाँ पे देखिए गूगल माई बिजनेस .NET इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे हमारा लोक एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपके लिए क्रिएट पोस्ट, आप ऐड फोटोज़ कर सकते हैं। ऐड डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं गूगल के ऊपर अपने बिजनेस की एड्स को चलाना, जो कि PPC एडवर्टाइजिंग गूगल्स के ऊपर होती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी अपनी एडवर्टीजमेंट्स गूगल के ऊपर प्ले कर सकते हैं, जो कि पेड होता है, जो कि आपका आप उसे इनऑर्गेनिक तरीके से पेड तरीके से आपको चलाना होगा। लेकिन हम पेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको फ्री में बताना चाहते हैं कि फ्री में आप अपने आप को किस तरह से गूगल पे प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस, जैसे कि आप ये हमारी परफॉर्मेंस हमें दिखा रहा है कि लास्ट में 1.59K व्यूज़ हमें मिले हैं। सर्च हमें देखो 1.21 लोगों ने सर्च किया है, एक्टिविटी हमारी ये चल रही है, सर्च व्यू हमारा माइनस में चल रहा है, मैप्स में कितना सर्च हो रहा है, गूगल के SERP पेज में कितना सर्च हो रहा है, और हमें जो लेटेस्ट रिव्यू हमें मिल रहे हैं वो कितने रिव्यूज़ मिल रहे हैं, आपकी लेटेस्ट पोस्ट जो आपने इसमें डाली है उसको कितना अभी तक व्यू मिला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता है। और ये इधर आप देखेंगे तो इसका पूरा ये डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कि आप अपने होम, अपनी पोस्ट, इन्फॉर्मेशन, इनसाइट्स, रिव्यूज, मैसेजिंग, फोटोज, वेबसाइट्स, ये सभी आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने अपने को पोस्ट को क्रिएट करना है, और अपनी डेली इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो डेली इसमें 2-3 पोस्ट आप डेली इसमें डालिए, और उस तरीके से आपकी जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली गूगल के ऊपर प्रमोट होती चली जाएंगी और गूगल की सर्च रैंक में आती चली जाएंगी। तो मैं अगर आपको अपनी इस पोस्ट के बारे में बताऊं, जो कि लर्न मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली मेरी पोस्ट को गूगल के जो भी मेरा क्लिक था वो उसके ऊपर आप लेके आ जाएगा। और ये जो मेरी पोस्ट थी वो एक वीडियो पोस्ट थी, तो डायरेक्टली मेरे इस लर्न मोर पे क्लिक करते ही डायरेक्टली इन्होंने मेरी इस वीडियो पे जो है मुझे लैंड करा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरा 11 रीज़न वाई गोल सेटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि प्रीवियस वीडियो थी, और उस वीडियो को मैंने गूगल पे शेयर किया था। तो गूगल को कोई भी अगर गूगल पे मुझे सर्च करता है और उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली मेरी इस वीडियो पे लैंड करता है। तो ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली देख पे, ये वन डे एगो था, ये जो आपका डिटेल आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे अगर सी मोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये अनदर जो आपकी पोस्ट थी, जो कि अभी तक हमने जो पूरी पोस्ट इसमें डाली हैं, उन सभी पोस्ट को यहाँ पे ये देखे दिखाता है। और ये सारी पोस्ट हम डेली इसमें हम डालते रहते हैं और ये गूगल पे सर्च होती चली जाती हैं, और जिनके ज़रिए हमें जो व्यूज़ हैं वो मिलते हैं, हमारा कंटेंट शेयर होता है, हमारा बिजनेस जो है वो गूगल पे अपडेट होता है। तो ये देखिए इस हिसाब से ये सारी पोस्ट हैं जो कि गूगल पे पब्लिश होती रहती हैं, गूगल माई अकाउंट्स के ऊपर, गूगल माई बिजनेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे पोस्ट को जो है वो क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट आपको ये रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है। होम पे हम वापस एक बार चलेंगे, क्रिएट अगर हमें पोस्ट करनी है तो किस तरीके से हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐड फोटोज़ अगर आपने बिजनेस में करनी है तो आप देखिए ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे तो अभी प्रीवियसली हमने जितनी भी फ़ोटोज़ ऐड की हैं वो आपको गूगल पे ये हमारी फ़ोटोज़ जो है वो गूगल पे दिखाता है, हमारे प्रमोट करता है, लोगों को दिखाता है। और अगर आप एडिशन और फ़ोटोज़ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने लोकल मशीन से इसके ऊपर ऐड फोटोज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी बेहतरीन टूल है फ्रेंड्स, जो कि फ्री में आपके बिज़नेस को जो है प्रमोट करेगा, और आपको अपनी प्रोफाइल को गूगल के ऊपर ज़रूर बनाना चाहिए। आगे हम क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट का थंबनेल, जो कि आपकी ग्राफिक्स है, उस ग्राफिक्स को आप अपनी लोकल मशीन से आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए,
और मशीन से जैसे एल्बम पे अगर हम क्लिक करें जो प्रीवियस है तो वो भी आप ले सकते हैं, फोटोज़ अपलोड आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जो भी पोस्ट के साथ आप लिख रहे हैं उसको आपको लिखना होगा। उसके साथ साथ में अगर आप देखना चाहते हैं कि क्लिक जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि जहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करने के बाद सीधा मुझे ये यूट्यूब के ऊपर लेके गया था, तो उसके लिए आप ये बटन लगा सकते हैं जहाँ पे कि लर्न मोर, बुक, ऑर्डर, ऑनलाइन बाय, साइन अप, कॉल नाउ, ये सभी आप लगा सकते हैं। जैसे आप लर्न नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको एक और ऑप्शन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे आप वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिस लिंक पे आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं या लैंड कराना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को। तो इस तरीके से जब आपकी ये पूरी पोस्ट जो है वो रेडी हो जाती है तो आप यहाँ पे आप इसे पब्लिश बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपकी जो पोस्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। जैसे कि ये मेरी पोस्ट, कल मैंने पोस्ट जो है ये इसमें पोस्ट किया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट अपना सर्च कर सकते हो। और आगे आप बढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको जब आप अपनी फर्स्ट प्रोफाइल बना रहे हो तो आपको अपना ये पूरा इन्फॉर्मेशनल बॉक्स जो है वो पूरा अपडेट करके रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें डॉट नेट, आप यहाँ पे डॉट नेट इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन एड्रेस वगैरह आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो डेज़ हैं कब से कब तक आपका जो ओपन होता है, कौन से डे को ओपन होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट करके रख लीजिए। आप यहाँ पे नंबर्स अपने सेट कर लीजिए, कौन से नंबर्स पे जो है आपको कॉल्स आनी चाहिए वो नंबर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स आप सर्च सेट कर दीजिए और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आप वेबसाइट अपने बारे में लिखना चाहते हैं वो आप सभी यहाँ पर दे दीजिए। एड फोटोग्राफ्स आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना व्यू टू सर्च पे आप जा सकते हैं एंड गूगल मैप्स पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली, अगर जैसे कि यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं व्यू टू सर्च तो आप व्यू टू सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके देखिए गूगल के SERP पेज पे आपको लेके आया और यहाँ पे डॉट नेट इंस्टीट्यूट्स और यहाँ पे देखिए डॉट नेट इंस्टीट्यूट्स की जो पूरी की पूरी हमारी जो भी डेटा है जो हमने इनको प्रोवाइड किया है वो इस तरीके से पूरा यहाँ पे सर्च में दिखाई देता है। तो यहाँ से देखिए पूरी हमारी इमेजेस, ये पूरी सर्च कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे जो है इसका नॉलेज बार ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर देगा। इस एरिया को हम नॉलेज बार कहते हैं। तो ये पूरा नॉलेज बार में आपके देखिए जो प्रीवियस पोस्ट जो थी वो सारी पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये देखिए आप इस तरीके से अपनी पूरी पोस्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट अभी तक आपने जो है इसमें जो है वो पोस्ट करी हैं। और जैसे ही आप इन पोस्ट के बारे में जैसे जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पूरी पोस्ट में आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देगा और इस तरीके से आप वन बाय वन सभी पोस्ट को आप देख भी पाएंगे। तो ये एक बेस्ट वे है फ्रेंड्स, जहाँ पे कि आप देखिए यहाँ पे पूरा डॉट नेट से रिलेटेड ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा आपको कंटेंट जो है वो डॉट नेट का ही प्रोवाइड होगा। यहाँ पे देखिए डॉट नेट्स की ही वीडियोज़ आपको ये पूरा दिखा रहा है और डॉट नेट को कितना सर्च किया जा रहा है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर पूरा आपको दिखा देगा। तो एक बेस्ट वे है फ्रेंड्स, आपको ज़रूर अपनी प्रोफाइल को बनाना चाहिए। आप इनसाइट चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ अपने देख सकते हैं, मैसेजिंग भी आप देख सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। वेबसाइट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वेबसाइट्स भी आप इसके ज़रिए ले सकते हैं तो आप वेबसाइट्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं अपनी इस तरीके से और एक वेबसाइट्स को पूरा डिज़ाइन करके इस तरह से आप यहाँ पे वेबसाइट के रूप में डिज़ाइन करके आप उसे पब्लिश करके आप इस टूल्स में अपने एक बेहतरीन आपका जितना भी कंटेंट है वो खुद ब खुद इसमें आपको ले लेता है और ऑटोमेटिकली एक वेब के रूप में आपके कंटेंट को यहाँ पे रेडी करके रखता है आपके व्यूअर्स के लिए। तो बेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जैसे जैसे पब्लिश पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका रेडी हो जाएगा और यहाँ से आप देखेंगे तो क्रिएट ऐड कर सकते हैं, मैनेज लोकेशंस अगर आप देखें तो मैनेज लोकेशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन टूल है फ्रेंड्स, आपको एक बार आप अपना अकाउंट्स आप यहाँ पे क्रिएट करें, अपनी प्रोफाइल को आप यहाँ पे बनाएं, अपनी लोकेशन को सेट करें और डेली आप इसके ऊपर 2 से 4 पोस्ट आप डेली गूगल के ऊपर आप डालते रहिए। धीरे धीरे देखेंगे आप तो गूगल के ऊपर आपका जो बिजनेस है, आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होती जा रही है और गूगल आपको पहचानना शुरू कर रहा है और आपके कंटेंट्स को प्रमोट कर रहा है और लोगों तक पहुँचा रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार ज़रूर पूरा देखिए कि किस तरीके से जो है आपको इसमें प्रोफाइल्स वगैरह बनानी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें हो प्रोफाइल्स को क्रिएट करने में तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हमें आपको लगता है कि हमें पूरा प्रोफाइल से आपको इस पूरे किसको पूरा समझाना चाहिए तो हम इसके ऊपर आगे की वीडियोज़ भी आपके लिए बनाएंगे। लेकिन आप पहले इसमें अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करें और अपने बिज़नेस को फ्री में आप गूगल के ऊपर प्रमोट करें गूगल माई बिज़नेस टूल्स के ज़रिए।
तो ये था दोस्तों आपके लिए गूगल माई बिजनेस टूल, जो कि एक बेहतरीन टूल है गूगल का, जहाँ पे कि आप अपने बिजनेस को कम्प्लीटली ऑर्गेनिक बेस्ड में प्रमोट कर सकते हो और दुनिया को बता सकते हो कि आपका भी बिजनेस गूगल के ऊपर है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।